वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद स्वीटू। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो है ऑमलेट करी रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसको बोल में ऐसे प्याज और नमक के साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे जैसे ऑमलेट बनाते हैं, वैसे पहले इसको फेंट के बना लेंगे ऑमलेट। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है मैंने, नमक और प्याज अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी इसको जब गर्म हो जाए तावा, उसमें मैं ऑमलेट बना लूँगी जैसे ऑमलेट बनाते हैं, सिंपल वैसे तरीके से ही ऑमलेट बनाना है। तो एक तरफ जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है तो उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है ऑमलेट को। तो इसको मैं अभी हल्के धीरे धीरे से मैं इसको फोल्ड करती रहूँगी ताकि ये टूट ना जाए। और एक साइड देखिए अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। और इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, 3 पीस में काट लेंगे, 3 या 4 आपका जैसे मर्जी आप काट लीजिए। और ये मेरा ऑमलेट रेडी है। और मैंने यहाँ पे सब्जी में देने के लिए कुछ आलू बॉईल कर लिया है। तो थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद उसमें जब गर्म हो जाए तो 5 फोड़न डाल देंगे और प्याज डाल देंगे, 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पे लिया है। और जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर भी ले लिया है। टमाटर डालने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा लिया है, जिसको भी डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी बना है, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। घर में मिल जाएगा मसाले जो रहते हैं वही मसाले के यूज़ करके मैंने ये रेसिपी बनाया है। अभी मैंने इसमें अदरक प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले को। इसमें मैंने 1 चम्मच मिक्स मसाला भी डाल दिया है और अच्छे तरीके से इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक ना इसमें से तेल छूट जाए और टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाएगा। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक्कन खोल के देखिए अभी टमाटर भी थोड़ा थोड़ा पक गया है और ऑयल भी छूटने लगा है। तो थोड़ा टमाटर को ऐसे मैश कर लेंगे और मसाला भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं जो आलू बॉईल करके रखी थी और इसको 1/2 पीसेस में काट के आलू को ऐसे इसमें मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ी देर चला लेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स हो जाए और फ्राई भी हो जाए। इससे क्या होता है आलू में अच्छी तरीके से मसाला घुसता भी है और टेस्ट भी आता है, नहीं तो आलू बॉयल लगेगा ऐसे। और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मैं उबालने के लिए रख दूंगी। आप जैसा करी खाते हैं उतना ही पानी डालिएगा। इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे अपने हिसाब से, आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे, थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा के देखिए पानी उबलने लगा है। तो इसमें जो मैंने ऑमलेट बना के रखी थी वो इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि वो ऑमलेट जो है करी में मिक्स हो जाए। तो बस ये रेडी है बनके। थोड़ा देर उबलने के बाद ये हो गया मेरा ऑमलेट करी रेसिपी। तो ये बनके रेडी है। आई होप आप लोग को ये सिंपल सा रेसिपी मेरा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।